Hey everyone, welcome back to my channel and very good morning. वैसे ये वीडियो तो इवनिंग में शुरू हो रही है बट अभी सुबह के 5:15 हो रहे हैं। अभी 15 मिनट ही पहले मेरी मॉर्निंग हुई है। एक्चुअली आप ये शक्ल देख के थोड़ा सा शॉक मत हुई हो क्योंकि ये भी जस्ट मैं कुछ देर हुआ कुछ रही हूँ। ओके सो यस, आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है बिकॉज कि आज मैं फर्स्ट टाइम मेरे मेन ससुराल जा रही, मतलब शादी के 6 महीने बाद। मेरा ससुराल मेन पड़ता है सिवान जिला में, मतलब बिहार में पड़ता है। सो यस, आज मैं फर्स्ट टाइम वहाँ जा रही हूँ तो मैंने सोचा कि वीडियो रिकॉर्ड कर लेते हैं। एंड आज का दिन मेरा कैसा जाने वाला है, सुबह से लेकर शाम तक मैं कैसे क्या करने वाली हूँ, मैं सब कुछ विद वॉइस रिकॉर्ड करने की कोशिश करूँगी। बात अलग है कि अगर कहीं पॉसिबल नहीं होगा तो वॉइस ओवर मैं ज़रूर करूँगी। बट यस, अभी तो मेरी मॉर्निंग हुई है एंड यस, मिलते हैं तैयार होने के बाद। तरीके से तैयार भी हो गई हूँ। हाँ मतलब अभी साड़ी नहीं मैंने पहना है क्योंकि साड़ी पहन के काम तो होता नहीं है, तो बस मेरी पूजा पाठ भी हो गई है। अब मैं मेरे लिए ब्लैक कॉफ़ी बनाऊंगी और क्योंकि आज एकादशी है, आई डोंट नो मैं ये वीडियो कब अपलोड कर रही हूँ बिकॉज आज तो अभी 27th of August है, तो आज एकादशी है तो मम्मी पापा के लिए बनाना है मुझे शकरकंद का हलवा और अपने लिए बस ऐसे नॉर्मल सा ब्रेकफास्ट कुछ भी बना लेंगे। वैसे मेरा मन है मैगी खाने का तो सुशी मैगी बना लेते हैं। लिटरली मैं 2 मिनट में ही बनाने वाली हूँ बिकॉज मेरे पास टाइम की बहुत ज़्यादा कमी है। सो यस, मैं बस इसको बॉईल करने जितना ही बनाने वाली हूँ। रेडी टू ईट। ये थोड़ा सा आलू ऑलरेडी कट करके रखा हुआ था फ्रिज में, मैंने सोचा कि मतलब बना ही देते हैं ना यार मम्मी पापा के लिए। I mean, वो फास्ट है तो सिर्फ ऐसी ही चीज़ें खा सकते, रास्ते में भी मेरी तरह उनके पास ऑप्शन नहीं होंगे कि कुछ उतर के खा लें, तो यार मैंने सोचा बना लेते हैं। यस, अब मैं जा रही हूँ तैयार होने क्योंकि ड्राइवर आ चुके हैं और काम वाली मेरी अभी आ रही है तो थोड़ा सा लेट ज़रूर है बट मुझे तैयार होने में इन दोनों लोगों से और भी ज़्यादा लेट लगने वाला है। सो यार मैं थोड़ी जल्दी से तैयार हो जाती हूँ, जल्दी ज़रूर है, मैं तो रेडी है। सो यस, फाइनली आई एम रेडी लाइक दैट। वैसे तो मुझे पल्लू लेना है, कुछ देखने वाला है नहीं बट फिर भी खुद के सेटिस्फैक्शन के लिए तैयार होना भी ज़रूरी है ना। मतलब ठीक है पल्लू लेना है लेकिन पल्लू में दुल्हन बहुत सुंदर होती है। सो या आप मुझे मेंशन करके ज़रूर बताइए कि मैं लग कैसी रही थी। यस, अब मिलते हैं रास्ते में, तब तक के लिए बाय बाय क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो रखा है। मैंने तो खुद लेट किया ही किया है, बाकी भी लेट हो रखा है और ड्राइवर भाई उसकी तो हालत ख़राब हो रखी है, वो पिछले 3 घंटे से हम लोगों का इंतज़ार कर रहे तैयार हुए और हमारे घड़ी में बज चुका है 9। तो यस, मिलते हैं रास्ते में। Thank you.